हेलो, हाँ जॉनी भाई। यस yes. मैं बोल रहा था कि मैं तुम्हारे आउटफिट से खेल लूं। पीपल वांट टू सी यू। अरे थैंक यू भाई, अब देखो तुम मैं कैसे बंदों के कच्चे फाड़ता हूँ आज। तो भाई जैसा कि तुम लोगों ने सुना कि भाई जॉनी ने बोला है कि हम उसके आउटफिट से खेल सकते हैं और जनता मुझे देखना चाहती है, तो गाइस मुझे आज बहुत ही खतरनाक गेम प्ले दिखाना पड़ेगा। तो टेंशन मत लो, बहुत ही खतरनाक गेम है ये। और साथ ही गाइस कैसे आप लोग आईफोन 15 सिर्फ 1 रुपए में जीत सकते हैं वो ही बताऊंगा। और अभी तो गाइस ऐसा ऑफर चल रहा है जिसे आप हार ही नहीं सकते, और जीतेंगे तो आपको मिलेंगे बहुत बड़े प्राइज, एक नहीं दो नहीं पूरे 20 टीम का 100% मनी रिफंड, क्योंकि हार गए जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। बस वीडियो को देखते रहो, तो भाई बिल्कुल मिस मत करना। अब देखो भाई इवेंट पे उतरे आज गन नहीं मिली, मैंने बोला ठीक है भाई कोई नहीं आज बिना गन के मारेंगे। सॉरी कुछ ज्यादा ही बोल दिया मैंने, ला भाई तू गन दे दे पहले। और पहला ही किल गाइस तुम्हारा भाई ना एकदम जॉनथन वाले स्टाइल में मारेगा, बस देखते जाओ। जैसे ऊपर आया मेरी नजर यहां पड़ी, अब देखो बंदे को तो नॉक कर दिया, मुझे पता है कि 18 गोलियां कुछ ज्यादा लग गया, वरना ये 2 गोली का ही बंदा था। अब इसके बाद में इस बंदे को फिनिश करने का ट्राई करा बट नहीं हो पाया। लेकिन तुम ये देखो भाई ये क्या हुआ, कैसे मार दिया भाई उस बंदे ने, लिटरली कैसे। खैर जो भी हो गाइस, जब टाइम बुरा चल रहा होता है ना मुर्दे भी उठ के मार देते हैं। अब जहां ये 2-3 किल मैं ले सकता था, यहां मैं टीममेट के नॉक को फिनिश कर रहा हूं। ऐसा ही होता है भाई जब बुरा वक्त चल रहा होता है। अब देखो इस बंदे को मैंने मारा, स्पॉट किया था जब, लेकिन डायरेक्ट किल कैसे मिल गया, क्या ये पहले से नॉक पड़ा हुआ था, लेकिन जब मुझे साउंड आया तब ये चल रहा था भाई, पता नहीं क्या हुआ। अब यहां देखो, अब इधर की तरफ ना भाई बहुत गंदा कैंप चलता है। तुम्हें याद होगा मैंने पिछली वीडियो में तुम लोगों को यही बताया था कि भाई इधर ना बंदे चढ़ चढ़ के बैठ जाते हैं, तो बस यहाँ ना बहुत समझदारी से फूंक फूंक के कदम रखना पड़ता है। अब मेरे को बंदे का साउंड आया जंप करने का, और आज ना भाई मैं शॉर्ट गन से जो बजाने वाला हूँ कसम से यार, मेरे अंदर का जॉनथन जाग गया सही में। अब देखो बंदे तो यही थे, मैं आगे गया और ये देखो एक को मेरे टीममेट ने नॉक कर दिया, दूसरा बहुत लेट था। अब जैसे ही इनको नॉक फिनिश किया भाई, अभी तो तुम यहां देखो। तो चलिए बात करते हैं कैसे आप बन सकते हैं बाजीगर और जी सकते हैं क्रेजी कैश प्राइजेस आईफोन सिर्फ वो भी 1 रुपए में। सीक्रेट है आपका क्रिकेट का क्रेज। 15th को आईपीएल का मैच है बैंगलोर वर्सेस हैदराबाद के बीच में। मैं से पहले डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करो माई 11 सर्कल ऐप और अभी अपनी टीम बनाओ। डाउनलोड करके गिवअवे कॉन्टेस्ट ज्वाइन करो और जीतो आईफोन 15। इस कॉन्टेस्ट की एंट्री फीस सिर्फ 1 रुपए है। ज्वाइन करो मेगा कॉन्टेस्ट और आपको मिलेगा ये बाजीगर ऑफर। चाहे एक टीम बनाओ या 20, आपकी ज्वाइनिंग फीस आपको पूरी तरह रिफंड हो जाएगी अगर आप हारते हो तो। मतलब अगली 20 टीम पर आपका कोई लॉस नहीं होगा, और जीत गए तो मेगा कॉन्टेस्ट में मिलेंगे मिनिमम 1 करोड़ इन द फर्स्ट प्राइज। तो सोचो और कितने बड़े प्राइजेस होंगे। ये दोनों ऑफर सिर्फ 15th अप्रैल के मैच के लिए ही वैलिड है, सिर्फ मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए, और मेरी दी लिंक से एक्टिवेट होगा। सो डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करो और यूज करो मेरा कूपन कोड MECNEW। तो डिपॉजिट करते आपको मिलेगा 20% एक्स्ट्रा कैश। अब मैंने तो अपनी टीम बना ली है बिकॉज आई ट्रस्ट माई 11 सर्कल। अब तो माई 11 सर्कल ऑफिशियल आईपीएल स्पॉन्सर भी है। मेक योर टीम ऑन माई 11 सर्कल फॉर बैंगलोर वर्सेस हैदराबाद नाउ। तो जैसा कि मैंने तुम लोगों को बताया था कि अभी सिर्फ उतने ही बंदे नहीं, अभी यहां देखो जैसे हम लोग यहां से बंदे ढूंढ रहे थे तभी पहले तो ये कैंपर मिला। अब ये तो अकेला था, इसको मारने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दूसरी तरफ तुम लोग एक चीज याद रखना, इस इवेंट को पूरा खाली करने के बाद ना एक ऐसी बिल्डिंग बताता हूँ जहां तुम्हें बंदे हमेशा मिलेंगे मिलेंगे, ठीक है। अब देखना वो कौन सी बिल्डिंग है, बट फिलहाल देखो यहां से एक बंदे का साउंड आया। और ये दिए इसको बैक टू बैक शॉटगन के शॉट और ये बंदा मर गया। हाँ तो मैं जिस बिल्डिंग की बात कर रहा था गाइस वो है ये वाली बिल्डिंग, देखिए सामने बिल्डिंग ये वाली, जी हाँ गाइस। अब यहाँ मेरे टीममेट ने एक बंदे को तो नॉक किया और एक बंदे को ग्रेनेड से नॉक किया। अब मैंने यहाँ पर एक और नेड की पिन खींची और एक्चुअल में यहाँ 2 टीम की फाइट चल रही थी, और मेरे नेड से फटते गाइस पूरे 2 बंदे। बट जैसे मैं यहाँ पर आया ये भाई साहब ये क्या हरकत थी यार, मतलब तुम देख रहे हो गाइस ये मेरे टीममेट्स क्या कर रहे हैं भाई। किल चाहिए तो वैसे ही बता दो यार, मैं एग्जिट मार देता हूँ बताओ। खैर गाइस अब देखो यहां पर ना मेरे हिसाब से अब कोई बचा नहीं था, और एक मेरा किल घूमता घूमता यहां तक आ गया। और अब क्या लगता है इस इवेंट पे कोई होगा,
नहीं भाई साहब, वैसे तो यहाँ पे 3 दिखा रहा है बट सही में यहाँ पर कोई नहीं था। बट इसके बाद में हम लोग गाड़ी लेके बंदों को ढूंढना कर देते चालू। क्यों? क्योंकि मैंने आज जोनाथन से बात की थी, इसलिए भाई जनता को आज बढ़िया गेम प्ले तो दिखाना पड़ेगा। अब यहाँ पे फायरिंग के साउंड आए तो मैंने गाड़ी यहाँ लगा दी, बट भाई यहाँ जो गाड़ियाँ आने वाली हैं वो कुछ ज़्यादा ही तगड़ी हैं। अब मेरे टीममेट ने एक बंदे को नॉक किया, बट इधर सामने से भी बंदे का साउंड आया, उसको भी मेरे टीममेट ने नॉक कर दिया। मैं क्यों खेल रहा हूँ भाई? अब मैंने देखो यहाँ पर नेट की पिन खींची, क्योंकि वो जो टीममेट है ना वहीं पे उसको रिवाइव दे रहा हूँ। अब यहाँ कोई नहीं फटा और भाई मुझे लग रहा है ये सब रिवाइव होने वाला है। और ये देखो भाई क्या क्या एंट्री है ये। एक्सक्यूज मी ब्रदर, पिटाई तो बनती है आपकी, तुम ऐसे क्यों आ रहे हो आप दो टीम्स के बीच में भाई? नहीं। अब ये जो अकेला आया था ये तो मारा गया, बट यहाँ अभी भी बंदे थे। अब जब पहले मेरे टीममेट्स इन बंदों को नॉक किया, उसके बाद ना मेरी जल गई। मैंने इनसे बोला कि अभी ना कोई नहीं मारेगा, तुम पीछे हट जाओ बस, क्योंकि मेरे पास है जोनाथन वाला आउटफिट। बस ये देखो ये लोग मेरे पीछे पीछे। अब तुम्हें क्या लग रहा है क्या होने वाला है? क्या एक क्लच आने वाला है या फिर नहीं, या मैं हगने वाला हूं? कमेंट में बताओ। जिसने लिखा ना हगने वाला हूं, सही जवाब। आखिर में भाई फिर से ना मेरी टीम को ही मारना पड़ा और मैं फिर से रिवाइव होकर यही फर्स्ट एड बस यूज करता रह गया। अब इसके बाद मुझे लगा यहाँ पे शायद कोई बंदा बचा है, लेकिन उन्होंने बताया कि अब कोई नहीं है भाई, सब बॉट है, बॉट है मेरी तरह। अब मैंने एक बॉट का किल चुराया, बट वो बोल रहा है मारो भाई, तभी पड़ी भाई इधर से गोलियां। बॉट को नॉक किया, ये ओग चलाने वाले को तो। अब इसके बाद में ये ओग वाला बंदा पता नहीं कहां ऊपर में था, इसीलिए हम लोग बग्गी लेके निकल लिए। अब ओग वाला तो नहीं मिला, बट जब हम घूम के आए तो हमें यहाँ एक स्क्वाड मिल गया भाई, और ये मैंने अपने टीममेट को कुछ नहीं गाइस, थोड़ा सा ग्लिच हो गया, वो हो जाएगा रिवाइव, तुम टेंशन मत लो, तुम यहाँ गेम पे ध्यान दो। एक बंदा नॉक हो चुका है, अब हाथ में ग्रेनेड लेके तुम्हारा भाई जाता आगे। रीजन पता ही है मैं क्यों आगे जा रहा हूँ, क्योंकि जोनाथन वाले आउटफिट पहने यार, समझ जाओ आप तो। अब मैंने यहाँ पर देखो फुट साउंड को फॉलो किया, नेड की पिन खींची और अब जो नॉक था वो फिनिश हो गया और एक बंदा और नॉक हो गया, और नॉक वाले को भी फिनिश कर दिया, मतलब दो किल आए यहाँ पर। अब इसके बाद में फिर से नेड की पिन खींची, साउंड सेंस लिया भाई, और कितना बचा है ये, बस एक गोली का। और इधर देखो मेरे टीममेट एमके से भी नॉक हो गया। अब ये तो पता नहीं भाई कहाँ रिकॉल करने भाग गया, लेकिन मैं चढ़ता हूँ फिर इस पे। और भाई इस बंदे ने क्या पलट के मारा है, एक नंबर। लेकिन मेरा दूसरा टीममेट आया, उसने मेरे को बचाया, और यकीन मानो अगर बग्गी वाला बंदा यहाँ होता ना या दूर से मारता तो शायद हम लोग बच जाते। लेकिन रिवाइव होते समय मैंने देखा कि इधर की तरफ फायरिंग का साउंड आया, इसलिए रिवाइव हुआ, हेड लगाई और सीधा आ गए यहाँ पर। और भाई यहाँ क्या ही करा है मैंने, देखो MG3 हाथ में, एक स्प्रे में 3 बंदे नॉक। सामने से भाई बचाव के लिए फायरिंग आई तो मैं समझ गया चौथा बंदा भी यहीं पर है, बट चौथा छोड़ो पांचवा भी यहीं था भाई। पांचवा तुम सोच रहे क्या भाई, क्या बोल रहे हो, अभी समझाता हूँ। पहले नेड लिया, ये फेंका, अब यहाँ तो केवल नॉक ही फिनिश हुआ, लेकिन जो असली बंदा था वो भाई इसमें बैठा था। और इसी के साथ में गाइस ये हो गया क्लच कंप्लीट। तो सबसे पहले तो आज का होमवर्क कंप्लीट करो, लाइक कर दो चैनल पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब करो। बट यहाँ देखो मेरे टीममेट ने बताया कि उनको जस्ट अभी इधर से कोई साउंड आया, शायद इधर कोई बंदा है। अब मैं चेक करने के लिए आता हूँ, और ये देखो साउंड आया भाई, मैप में भी देखो। अब ये कौन था, कहां से आया था, मुझे कोई आइडिया नहीं है, बट भाई इस बंदे ने लिटरली क्या करा है यहाँ पे। इसके सामने पूरे एक स्क्वाड मर गई, लेकिन तब ये नहीं झांका, बाद में बेचारा अकेले में देखो मारा गया है। अब इसके बाद में हम लोग यहाँ से निकलने वाले थे, बट हमें फिर से भाई देखिए कुछ हलचल दिखाई देती है, और जैसी हलचल हुई मैंने बंदा स्पॉट किया, गाड़ी रोकी, बट भाई उस बंदे को देखना, उस बंदे ने भाई देख के बग्गी भी रुकी, लेट के जो मारा है ना कसम से, ये देखो मैं एक गोली का बचाऊं। अब इसके बाद में वहां पर एक बग्गी थी और एक बंदा था, इसीलिए सबसे पहले कवर में हेल्थ लगाई, उसके बाद में
गाड़ी में बैठा है और अब पकड़ते हैं उसको। अब वो तो नहीं मिला लेकिन उसके चक्कर में एक दूसरी टीम हाथ लगी, एक नॉक किया पत्थर के पीछे, दूसरा बंदा स्कॉट किया इसको भी नॉक किया, वेट किया बाकी के दो बंदों का, लेकिन जैसे ही गाड़ी इधर पे लेके आए पता चला कि इधर पे तो कोई है ही नहीं भाई। ये कौन से बंदे जो इतना अलग अलग खेल रहे हो भाई, तुमने मेरे 20 किल करा दिए बताओ। गाइस अभी 30 भी हो सकते हैं कि नहीं पता नहीं, खैर अभी चलते हैं हम लोग सीधा ब्रिज की तरफ। और ब्रिज पे तो भाई आज अलग ही घमासान चल रहा है। एक नॉक, दूसरा बंदा भी नॉक, देखो थर्ड पार्टी का एक ही असूल है, अगर तुमने नॉक किया ना तुरंत अपना फिनिश कंप्लीट करो, वरना वो जो तीसरी टीम है वो आपका किल चुरा लेगी। घर के ऊपर भी छत पे, छत पे। अब इसके बाद में बाकी कोई पीक सीक तो कर नहीं रहा था, लेकिन हमने गाड़ी लेके यहाँ जरूर घुसा दी। और जैसे ही यहाँ आए कोई हलचल नहीं, एक बंदे का फुट साउंड आया लेकिन वो फिर चुप हो गया। और भाई ये बंदा इधर टावर के पीछे खड़ा हुआ था, मेरे दूसरे टीममेट ने इसको पकड़ा और इसको दबेच दिया। मेरे 23 किल हो गए और बचे हैं केवल 4 बंदे आखिर के। अगर ये 4 किल मुझे मिल गए तो मेरे 27 किल तो हो सकते हैं। और ये देखो एक तो आ भी गया भाई 25-24 करने के लिए, ये हो गए 24 किल। तो गाइज ये बताओ जॉनी वाले आउटफिट का गेम प्ले तुम्हें लगा कैसा, मतलब एकदम पैसा वसूल गेम प्ले है कि नहीं, मतलब मैंने जोनाथन को फ़ोन करके जो पैसे खर्च किए सारे वसूल हुए कि नहीं। अब देखो सामने बंदे स्पॉट हुए थे, पोर्टल बनाया, एक बंदा नॉक किया, इसको भी नॉक किया। और अब ये बंदे ना जिस डायरेक्शन से आ रहे थे हमें डाउट था कि आखिरी बंदा भी उसी तरफ होगा। बस तो बस अब तो ये गया, देखो ये बंदा स्पॉट हुआ। और हमने यहाँ पर सोचा कि चलो ना क्यों इसके साथ, मतलब हम लोग ना थोड़ा ट्रोलिंग वोरिंग करते हैं और इस पर थोड़ा सा डांसिंग एंड वगैरह करके और इसको आराम से मारते हैं, लेकिन भाई यहाँ मेरी ना फटने लगी। मेरे को लगा भाई 26 किलो हो गए और अगर मैंने ये सब करा और मैं मारा गया तो भाई बहुत ही बुरा होगा मेरे साथ। बट टेंशन मतलब फिर भी मैं ट्राई करूँगा। देखो ये देखो बंदे को स्पॉट किया, ये गया उस पर एक डांसिंग ग्रेनेड और ये क्या दूसरा, और देखो वो डांस कर भी रहा है भाई, बहुत बढ़िया यार तू ही मेरा भाई। अब इसके बाद में जब ये सर्कल से बाहर हो गया मेरे हो गए कान खड़े, मैंने लिया हाथ में गन और ये निकाल दिया गाइस एक डिलीशियस चिकन डिनर। तो गाइस कैसी लगी तुम्हें आज की वीडियो कमेंट करके जरूर बताना, अच्छी लगी है तो पता ही है क्या करना है, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ में, बीजीएमआई वाले भाइयों के साथ में। और हाँ गाइस यार माइलन सर्कल ऐप को डाउनलोड करना मत भूलना, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप लोग वहां से इजीली आईफोन 15 जी सकते हो, क्या पता आपका लक चमक जाए। और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।